नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो मिल रही है इंडी गठबंधन को लेकर, शुरुआत उसी के साथ कर लेते हैं। ये अहम खबर, बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। ये कहा है बीजेपी ने कि आज दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग के बाद ये साफ हो चुका है कि इंडी में टूटने की पहली आहट हो गई है। बीजेपी नेताओं का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने इंडी का संयोजक न बनकर इंडी की पोल खोल दी है। अब ममता और उद्धव का मीटिंग में शामिल ना होना ये साबित कर रहा है कि इंडी गठबंधन टूटने वाला है। बीजेपी नेताओं ने अपने बयानों से सीधा सीधा हमला इंडी गठबंधन पर किया है। देखिए, ऐसे हालात में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा कौन सा पेच फंसा है जिसकी वजह से सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्या यह आरोप सही हो सकता है कि कांग्रेस जानबूझकर इंडी को कमजोर कर रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मोदी के खिलाफ एक लौता चेहरा बन पाए। घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। इंडी गठबंधन के टूटने का पहला की लग गया। इंडी गठबंधन जरूरी नहीं मजबूरी है। 13 जनवरी को 2 घंटे तक चली इंडी गठबंधन की बैठक में यही तय नहीं हो पाया है कि गठबंधन में शामिल 28 पार्टियां किस राज्य में कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा हालात और इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडी गठबंधन में शामिल 28 सियासी पार्टियों के लिए गठबंधन जरूरी नहीं मजबूरी बनता जा रहा है। ममता बनर्जी ने आखिरी मौके पर इंडी गठबंधन को ऐसा झटका दिया है कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि ममता इंडी को मजबूत करना चाहती हैं या फिर दलदल में धकेलना चाहती हैं। घमंडिया गठबंधन में ममता का खेला। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। इंडी गठबंधन की 5वीं बैठक में जो कुछ दिखा उससे साफ है कि बैठक गठबंधन की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने संयोजक पद में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के नेता गठबंधन से दूरी बना रहे तो सीटों का तालमेल कैसे होगा। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में 28 में से 14 दलों के शामिल होने का दावा सुबह से किया जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी। यानी ममता बनर्जी के पास आज इतना भी टाइम नहीं था कि वो इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो पाए। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त इंडी में शामिल कई सियासी पार्टियां नाराज होने का एक मौका तलाश रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। टीएमसी को लगने लगा है कि बंगाल में इंडी गठबंधन का फायदा कम, टीएमसी को नुकसान ज्यादा करेगा। बीजेपी भी इस मौके पर ममता के बहाने इंडी गठबंधन के गदर पर जमकर चौके छक्के मार रही है। सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहां मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही देश भर में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन में ना तो माहौल है और न ही जोश। आज 2 घंटे हुई इंडी गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे की चर्चा तो नहीं ही हुई, इसमें चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के यात्रा को लेकर हुई। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है
कि इंडी गठबंधन का आगे भविष्य कैसा होगा। इंडी से भागे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। इंडी की वर्चुअल मीटिंग में कई फैसले ऐसे हुए हैं जो साबित करते हैं कि इंडी में शामिल सियासी दल अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं। कुछ पार्टियां 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल की भारत न्याय यात्रा का जनता पर असर देखना चाहती हैं, तो कुछ इंडी में शामिल पार्टियां ये देखना चाहती हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश में बीजेपी की सियासी हवा का क्या असर होता है। यानी अभी इंडी में सीट बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति है। शायद यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक आज इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। डीएमके के एम स्टालिन ने नीतीश को इंडी का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नीतीश ने खारिज कर दिया। विपक्षी एकता के सूत्रपात हमारे नेता है नहीं, आज पूरा देश आकर्षण का केंद्र हमारे नेता पर उम्मीद और विश्वास के साथ। आप ही लोग मांग कर रहे थे कि संयोजक बनाए जाए। आपका ही एजेंडा हो सकता है, हमारा नेता का एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। हालांकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अध्यक्ष बनाने पर सहमति बन गई है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट मिस्टर खड़गे कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया अलायंस, दैट हैज बीन अग्रीड अपॉन। आज की तारीख में अगर हम देखें तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के इंडी नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के हालिया रुख और सियासत पर सवाल उठाने लगे हैं। हम आपको समझाते हैं कि आखिर इंडी में गदर मचने के क्या कारण बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इंडी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के बीच इंडी सियासी शक्ति को हथियाने की होड़ मची हुई है और इसी वजह से इंडी गठबंधन में मुंह फुलाने की भी होड़ मच गई है। बस अब इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडी से ना हो पाएगा। सबसे पहले ममता बनर्जी की हम बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली में 2 घंटे तक चली इंडी की वर्चुअल मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई। अब दावा इसमें यह किया गया कि दरअसल ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस से खफा है, वो ज्यादा सीट अपने पास रखना चाहती है, कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो वो दे नहीं रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं, उनके बारे में दावा यह किया जा रहा था कि इंडी का संयोजक वो पहले बनना चाहते थे, उनके नाम का प्रस्ताव दिया नहीं जा रहा था, फिर यही कहा जा रहा था नाराज हो गए नीतीश कुमार। लेकिन अब जब बैठक हुई तो वो वहां संयोजक नहीं बनेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये कि दरअसल नीतीश कुमार इसलिए संयोजक नहीं बन रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू के लिए वो ज्यादा सीट चाहते हैं, लोकसभा में उन्हें ज्यादा सीट मिले। अब अगर संयोजक बन गए नीतीश कुमार तो फिर धर्म संकट में पड़ जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को फिर त्याग भी करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे का अब जिक्र है इसके बाद, इंडी की मीटिंग में आज उद्धव ठाकरे का चेहरा भी दिखाई नहीं दिया और उनके ना पहुंचने के पीछे की जो वजह बताई गई वो ये कि उद्धव ठाकरे के पास टाइम ही नहीं है। अब यह जरा चौंकाने वाला था, महाराष्ट्र में कांग्रेस को ज्यादा सीट देना नहीं चाहते हैं उद्धव ठाकरे, और यह भी एक वजह बताई गई कि आज वो जो वर्चुअल बैठक थी उसमें शामिल ही नहीं हुए। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की भी अब बात कर लेते हैं, जहां अखिलेश यादव हैं, अब वो भी अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश के अंदर यही अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस को कम सीट ये देना चाहते हैं। तो अभी तक का ये जो पूरा समीकरण मैंने आपको समझाया उसमें यही है कि हर पार्टी का नेता कांग्रेस को कम आंक रहा है और अपने पास सीट ज्यादा लड़ना रखना चाह रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि एसपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या कांग्रेस का गठबंधन वो देखना ही नहीं चाहते हैं। और वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए, राहुल गांधी, अब समय राहुल गांधी के पास भी नहीं है क्योंकि ये जो गठबंधन है इससे ज्यादा भारत न्याय यात्रा को वो जरूरी मान रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से उनकी यह भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है, अब बस उसी की तैयारी में राहुल गांधी भी लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का भी एक बड़ा तबका ऐसा है, बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि 2024 का ये जो चुनाव है यह अकेले दम पर अपने दम पर लड़ना चाहते हैं, मतलब इसके पहले जैसे लड़ती रही है कांग्रेस। तो जितने नेता उतना दिमाग और उतनी सोच। इनका नेता है कोई ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ
इन दोनों की ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यहां भी बुआ और बबुआ में दोनों कैंपों में खींचतान चली है, कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं। अभी तक इंडी गठबंधन में ना संयोजक का नाम तय हुआ है और ना ही पीएम उम्मीदवार का नाम और चेहरा सामने आया है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गठबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से सुलझता नजर नहीं आ रहा। इंडी गठबंधन में मचे गदर पर बीजेपी की पूरी नजर है। गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अपने पूरे पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और हैरानी की बात यह है कि गठबंधन में शामिल जितने भी नेता हैं उनमें समझाने वाले कम हैं, रूठने वाले ज्यादा हैं और इसी वजह से सीटों के बंटवारे पर भी एक तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 6 जुलाई 2023 से आज तक इंडी गठबंधन की 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 3 सबसे अहम मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीट बंटवारा, संयोजक का पद, पीएम का चेहरा, किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने से इंडी के नेता हिचक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर फैसला लिया तो कहीं इंडी गठबंधन टूट ना जाए। इसलिए जिस तरह की टूट फूट बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी में दिखने लगी है, वो संकेत जरा भी ठीक नहीं है। इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है, इसको जानने के लिए एक एसआईटी बैठानी पड़ेगी ना। ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? कन्वीनर का अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? इंडी गठबंधन के टूटने का पहला की लग गया। दरअसल 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से इंडी गठबंधन के दलों को जोरदार झटका लगा है। यही वजह है कि अब इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस से ज्यादा सीटें अपने लिए मांग रहे हैं, इसलिए बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में सीटों पर पेंच फंसता जा रहा है। इधर कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अपने कमजोर संगठन के बावजूद भी कई राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 में से 6 से 10 सीटें चाहती है। सहयोगी दल इतनी सीट देने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। टीएमसी और शिवसेना इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन अब टीएमसी और शिवसेना के साथ साथ नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की पार्टियां भी नाक भौं सिकोड़ने लगी हैं। इंडी में तेवर दिखाने की होड़ सी मच गई है। अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन आने वाले दिनों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने तर्कश से कौन से सियासी बाण चलाता है।